दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे खेत में खड़ा हूँ जो बिल्कुल जलेबी रोग से एकदम ख़त्म हो चुका है ये खेत। और ये दादर गांव का एक खेत है और दोस्तों इसकी कंडीशन देख लेते हैं पहले। लगभग 90% खेत ये ख़त्म हो चुका है जलेबी रोग से। पूरा जलेबी रोग दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको। ये देखो जलेबी रोग की तरह फालर पूरी पील। दोस्तों ये खेत की हालत दिखा रहा हूँ और ये दादर गांव है और लगभग इस गांव में जलेबी रोग का पिछले साल तो प्रकोप था ही था ही और अलवर इस बार जलेबी रोग से सुरक्षित है, पर एक ये ऐसा गांव है जहां जलेबी रोग के लगभग लगभग नहीं 50% केस आ रहे हैं और खेत ऐसा हो रहा है जो खेत पूरा 90% खेत ख़त्म हो रहा है जलेबी रोग से। काफ़ी गंभीर हालत है यहाँ जलेबी रोग की। तो दोस्तों मेरे सामने किसान खड़े हैं, नाम बोलना। नाम क्या है? मुनफेद। गांव कौन सा है ये? दादर। दादर। तो ये जलेबी रोग आपके खेत में आया है या और खेतों में भी आ रहा है? नहीं, औरों में भी है, एक दो खेतों में, जगह जगह पर है, अलग अलग जगह पर। लगभग इस गांव में जलेबी रोग का प्रकोप कितना है, थोड़ा आइडिया दे सकते हो? 30% जलेबी रोग आ चुका है। और ये खेत में आए प्याज बोए कितने दिन हो गए इस खेत में? सवा महीने। तो जलेबी रोग की शिकायत कब से चालू हुई है, थोड़ा सा बताएंगे? ये कितने दिन बरसात पहले, 10-5 दिन पहले जो बरसात आई थी, तो सभी खेतों में एक साथ आया है या मतलब पहले भी था जलेबी रोग? एक साथ आया सर, इसी बरसात से आया है। तो ये बरसात क्या मेन कारण हो रही है क्या जलेबी रोग का? नहीं, मेन कारण बरसात ये खुला मौसम होता है। तो जैसे सात वाला खेत है वो तो जैसे सुरक्षित है, तो ये ऐसा क्या कारण, कुछ कारण समझ में आ रहा है भाई इसमें जलेबी रोग है और दूसरा खेत सुरक्षित है? कोई बीज की खराबी या कोई खाद की खराबी या कोई दवाई डालने में या पानी देने में ऐसा? अच्छा, ऐसा ये बरसात से पहले इस खेत में पानी दिया था क्या, थोड़ा सा ध्यान है क्या? हाँ, पानी दिया था। पानी दिया था जैसे और खेतों में देते हो उसी प्रकार? हाँ, दिया था पानी दिया। तो मतलब सेम पर अटैक जलेबी रोग का यहाँ हो गया। हाँ, तो पिछली बार तो इस गाँव में पूरी प्याज ख़त्म हुई थी और इस बार भी लगभग 30-40% प्याज फिर भी ख़त्म है जलेबी रोग से, है ना? तो इस खेत की तो काफ़ी बुरी हालात है। तो क्या अब थोड़ा सही है, जैसे मौसम खुल रहा है तो उससे भी कंट्रोल हो रहा है क्या जलेबी रोग में इसमें? अगर मौसम का क्या, हवा पलटने से भी वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। अच्छा, मैं भी जहाँ जहाँ भी हाँ जिस गांव में भी जलेबी रोग आया और वहाँ यही जानकारी लिए गए तो लोगों ने यही बताया है कि जहाँ मौसम खुल जाता है तो वो कंट्रोल हो जाता है। पर ये खेत तो लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है 80-90% डैमेज हो चुका है। हाँ ये अच्छा, तो बीज का थोड़ा ध्यान है आपको, बीज कौन सा बोया था? बीज का सर ध्यान नहीं, ताऊ जी का लड़का का खेत। अच्छा, ताऊ जी के लड़के का खेत है। तो अच्छा, जलेबी रोग ने डैमेज कर रखा है। तो कितनी प्याज बोई है आपने, कितनी बोई है आपने? 2 बीघा। 2 बीघा। आपका खेत सुरक्षित है क्या? अभी तो मैंने दे लगाई है इधर को। अच्छा, आपने अभी लगाई है। तो दोस्तों ये इन खेतों की हालात है, लगभग मैं आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ आपको। लगभग खेत में 70-80% जलेबी रोग आ चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, लगभग प्याज की फालर पूरी डैमेज हो चुकी हैं और कुछ मौसम खुलने के कारण किसान ने बताया ज़रूर हल्का पुल्का कंट्रोल दिखाई दे रहा है, बाकी जो इस खेत की लगभग 70-80% प्याज में जलेबी रोग आ चुका है।